हेलो एवरीवन, माय सेल्फ कमलेश चौधरी, टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर। आज हम मिड सेशन टेस्ट सीरीज फॉर जेई एडवांस 2022 में जो पेपर 4 है आउट ऑफ 8 फिजिक्स का, उसमें इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन, फ्लूइड और हीट वाले टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले सेक्शन फर्स्ट पे आते हैं, जिसके अंदर दो पैराग्राफ है और हर एक पैराग्राफ में दो क्वेश्चन है। पहले पैराग्राफ को देखते हैं। इसके अंदर हमें एक वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बता रखा है, एक न्यूटोनियन फ्लूइड बोल रखा है उसका, दो जो वाइड सरफेसेस है पैरेलल उन प्लेट्स के बीच में। तो वेलोसिटी का इक्वेशन कुछ इस तरह से दे रखा है कि u इक्वल्स टू 3v बाय 2 1 माइनस y, और y यहां पर मेजर किया हुआ है इस सेंटर वाले सरफेस से, सेंटर वाले पॉइंट से, तो y डिस्टेंस पे, और v है इसकी मीन वेलोसिटी। और फ्लूइड का जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है नीटा है, तो कुछ नीचे क्वेश्चंस है उनके अंदर बताना है क्या होगा। तो फर्स्ट पार्ट में बोल रखा है कि शेयर स्ट्रेस कितना होगा ऑन बॉटम वॉल, इज जो बॉटम वॉल है उस पर शेयर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी। ठीक है, शेयर स्ट्रेस, स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, स्ट्रेस का मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया कैलकुलेट करना है बॉटम वाली वॉल पे। तो बॉटम वाली वॉल पे हम क्या कंसीडर करें, एक लेयर कंसीडर कर लेते हैं एक बार, लिक्विड लेयर, कि यहां पर एक कोई लिक्विड लेयर है, बिल्कुल छोटा सा थिकनेस ले लें, बॉटम पे ले जाएंगे बाद में वैल्यू वेरी करवा देंगे। इस छोटी सी लेयर पे दोनों साइड जो विस्कस फोर्स लग रहा होगा, ऊपर वाले सरफेस पे लगेगा, नीचे वाले सरफेस पे लगेगा, उस विस्कस फोर्स को कैलकुलेट करें। और जब बिल्कुल बॉटम सरफेस की बात करेंगे तो वो विस्कस फोर्स रहेगा वो यहां पे एक तरह से फ्रिक्शन फोर्स की जैसे हो जाएगा, और वो फोर्स कैलकुलेट करके फोर्स अपॉन एरिया हमें करना है इसके अंदर। ठीक है, तो एक लेयर ली है, उस लेयर पे फोर्सेस कैलकुलेट करते हैं। ये कंसीडर कर लेते हैं कि जो सेंटर वाली लाइन है उससे वाई डिस्टेंस नीचे गए और dy विड्थ का एक लेयर ले लिया। इस लेयर पे विस्कस फोर्स की जो वैल्यू आएगी, वो विस्कस फोर्स की वैल्यू नीटा ए dv by dz, या y के साथ वेरी करवा रहे हैं तो नीटा ए dv by dy आ जाएगा। तो विस्कस फोर्स कैलकुलेट किया, नीटा गिवन था, एरिया ए ले लेते हैं, वैसे डिवाइड बाय एरिया ही करना है, एरिया किसका है, इस सरफेस का, dv by dy, जरा वेलोसिटी देखते हैं। अगर इसको मैं वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूं, dv by dy, ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो dv by dy यहां से देखोगे 3v by 2 तो कांस्टेंट है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा, y स्क्वायर है डिफरेंशिएशन 2 आगे आएगा, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ गया 2y, नीचे ऐसे स्क्वायर है, ये वैल्यू आ जाएगी dv by dy की, वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं यहां पे भी। तो ये डिफरेंशिएट किया था हमने और dv या du by dy की वैल्यू आई थी। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये वैल्यू हो गई 3v by 2 और एक नीटा है, नीटा लिखा हुआ था, माइनस 2y by h स्क्वायर, ये वैल्यू आया। ठीक है, कैंसिल कर दो कुछ, तो विस्कस फोर्स जो वैल्यू है डिवाइड बाय एरिया कर दो, क्योंकि हमें स्ट्रेस कैलकुलेट करना है फोर्स पर नेट एरिया, तो विस्कस फोर्स इस लेयर पे कैलकुलेट कर लिया, अपॉन एरिया जो होगा वो स्ट्रेस हो जाएगा, तो डिवाइड बाय एरिया नीटा 3 v a, ये तो कैंसिल हो गया, y बाय h स्क्वायर। मैग्नीट्यूड केवल कैलकुलेट कर रहे हैं, डायरेक्शन वाइज वो रिवर्स होगा, अपोजिट होगा। अब y की वैल्यू कितनी है, तो हमें पूछा हुआ है बॉटम सरफेस पे, तो y यहां से मेजर कर रहे हैं, तो सबसे वाले बॉटम सरफेस पे y की वैल्यू जाते जाते h हो जाएगी, तो उसको h के इक्वल पुट कर दिया, तो जो स्ट्रेस है उसकी वैल्यू आ गई 3 नीटा v, h एक कैंसिल हो गया, डिवाइड बाय h, ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसके करस्पॉन्डिंग अपना ऑप्शन हो जाएगा नीटा 3v by h, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा बॉटम वॉल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन जो है इसी पैराग्राफ के अंदर, उसमें बोल रखा है कंसीडर अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ डायमेंशन l अक्रॉस 2h, एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन कंसीडर करना है, l लेंथ कंसीडर करनी है, 2h इसकी हाइट कंसीडर करनी है, और जिसकी जो AB है साइड वो पैरेलल टू प्लेट्स बोल रखी है, वॉल्यूम फ्लो रेट थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया, इस क्रॉस सेक्शन से कितना वॉल्यूम फ्लो होगा, मतलब ये टोटल हाइट ये थी 2h, इस 2h पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसीडर कर लिया जिसकी विड्थ है L और हाइट है 2h, उसके अंदर से कितना लिक्विड फ्लो होता हुआ जाएगा, वो लिक्विड फ्लो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखें, लिक्विड फ्लो अगर किसी क्रॉस सेक्शन से कैलकुलेट करना होता है, ये क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं,
तो रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो हम बोल सकते हैं डीवी बाई डी टी इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। लेकिन ये तो तब है कि जब वेलोसिटी हर जगह सेम हो। तो हम क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा पार्ट कंसीडर कर लेते हैं। इस छोटे से पार्ट से वॉल्यूम कितना फ्लो रहा है वो कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, और फिर पूरे के लिए इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम फ्लो आ जाएगा। तो छोटे से पार्ट में सेंटर से किसी वाई डिस्टेंस ऊपर डी वाई विड्थ ली है, और इस डी वाई विड्थ पे हमने वॉल्यूम फ्लो कैलकुलेट किया। वेलोसिटी, वेलोसिटी की इक्वेशन हमें दे रखी है, ये रही। तो वेलोसिटी पुट किया, वेलोसिटी पुट किया 3v/2 1 - y² / h² ये लिखा है v, और एरिया कितना लिया जो लेंथ थी इनटू विड्थ, और लेंथ क्वेश्चन में बता रखी है अपन को, लेंथ है l और इनटू विड्थ dy। ये छोटे से पार्ट के लिए वॉल्यूम फ्लो आया, ठीक। टोटल वॉल्यूम फ्लो के लिए इसको इंटीग्रेट कर दें, तो इसको कुछ नया टर्म डिफाइन कर दो। छोटे से पार्ट में जो वॉल्यूम फ्लो हो रहा था डी यू बाई डी टी, इसको डी क्यू बोल देते हैं, अमाउंट जो क्वांटिटी फ्लो हो रही थी, टोटल क्यू इंटीग्रेट करें वाई के रेस्पेक्ट में। तो 3v/2 1 का इंटीग्रेशन आ गया वाई, वाई स्क्वायर का वाई क्यूब बाई एच स्क्वायर एल, ये इंटीग्रेशन आ जाएगा। और लिमिट कहां से कहां तक रखनी है इस वाले सेक्शन में, तो हमें पूरे 2h के लिए कैलकुलेट करना है, पूरे 2h के लिए। तो इसके करस्पॉन्डिंग इसकी लिमिट हो जाएगी -h से +h तक। तो 3v/2 l तो कॉमन है, पहले h सब्स्टिट्यूट किया तो h -h³/h² एक मिनट, यहां पे 3 है उसका इंटीग्रेशन y क्यूब, तो डिवाइड बाय एच स्क्वायर है ये टर्म, फिर माइनस साइन के साथ लोअर लिमिट, तो ये जाएगा एच माइनस एच क्यूब बाय 3h² माइनस साइन किया ये प्लस हो गया, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें टोटल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड फ्लो ये आ गया, माइनस एच रखा था, सॉरी ये माइनस है, एक लिमिट रखी है माइनस, तो माइनस माइनस ये यहां पे माइनस, तो ये हो गया प्लस एच, ये माइनस, वही डबल हो गया एक तरह से वैल्यू, तो डबल हो गया। तो 3v/l डबल सी टू कैंसिल हो गया, ये था एच माइनस एच बाय 3, तो 2h/3, 3 कैंसिल कर दोगे तो 2vl h के बराबर, तो 2h/3 था। तो ये टोटल लिक्विड फ्लो की जो रेट है वो है क्रॉस सेक्शनल एरिया से। तो क्वेश्चन में क्रॉस सेक्शनल एरिया से टोटल लिक्विड फ्लो की रेट पूछी है 2l v h के बराबर, थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो देखिए पैराग्राफ 2 के अंदर हमें बोल रखा है कि एक ग्लास ट्यूब थिन वॉल प्लेस की हुई एक चैम्बर में जिसमें रेयरफाइड एयर है, वन एंड जो ट्यूब का है वो क्लोज किया हुआ है, अदर एंड एक स्ट्रेच्ड फिल्म से कवर किया हुआ है लिक्विड फिल्म। प्रेशर जो एयर का है वो पी नॉट बोल रखा है, टेम्परेचर टी नॉट, इनसाइड और आउटसाइड ट्यूब के दोनों बराबर बोल रखे। लेंथ ऑफ ट्यूब बोल रखी है, एल रेडियस बता रखी है, सरफेस टेंशन की वैल्यूज गिवन है, ये डेटा गिवन है। अब इसके बेसिस पे पहले करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे हुए हैं पहले पार्ट में, पहले क्वेश्चन में, कि टेम्परेचर जो है वो इसके अंदर कितना होगा, इसके अंदर जब प्रेशर जो है वो मैक्सिमम है, ठीक है। तो पहले प्रेशर मैक्सिमम की कंडीशन देखते हैं कि कब प्रेशर मैक्सिमम होगा इसके इनसाइड। तो देखें उस ट्यूब के इनसाइड जो प्रेशर है, इस कर्व सरफेस देखें, लिक्विड की कर्व सरफेस जो बन रही होगी, उस लिक्विड की कर्व सरफेस जो बाद में चेंज होता जा रहा है रेडियस, तो जैसे जैसे रेडियस की वैल्यू चेंज होती जाएगी उसके अकॉर्डिंग इनसाइड प्रेशर में बोल सकता हूं पी इक्वल्स टू पी नॉट, किसी भी सोप फिल्म की सरफेस को जब क्रॉस करते हैं तो प्रेशर डिफरेंस आता है 4t/r, r इस कर्व सरफेस की रेडियस है। तो प्रेशर मैक्सिमम के लिए हमें रेडियस मिनिमम चाहिए, तो ये तो ज्यादा रेडियस है, ये कम है, ये और कम है, ये कम हो रही है, लेकिन जैसे जैसे और आगे मूव करेगा, और आगे मूव करता जाएगा तो अब रेडियस बढ़ती जाएगी, फ्लैट हो गया तो रेडियस इनफाइनाइट है। तो मैक्सिमम प्रेशर या मिनिमम रेडियस हुई जब ये हेमिस्फेरिकल सरफेस बना रहा होगा, मतलब इस कर्व की रेडियस और ट्यूब की रेडियस जब बराबर हो जाएगी, तो आर मिनिमम की वैल्यू है इस कर्व की, इस ट्यूब की रेडियस के बराबर, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारा प्रेशर मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम आ जाएगा। तो मैक्सिमम प्रेशर की वैल्यू है पी नॉट एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस 4t सरफेस टेंशन, जिसको यहां पे क्वेश्चन में s बोल रखा है,
एस यूज किया हुआ है, 5 × 10⁻², तो इसको लिखा 5 × 10⁻², डिवाइड बाय आर ट्यूब की रेडियस, और ट्यूब की जो रेडियस है वो हमें गिवन है 5 mm, तो ये वैल्यू रख दी 5 mm, -3। पी नॉट की वैल्यू हमें गिवन है इसमें 100 पास्कल, तो इसको रख दिया 1000, प्लस ये वैल्यू आ गई, 5 कैंसिल हो गया, एक 10 रह जाएगा, 40 ऐड हो गया, तो मैक्सिमम प्रेशर है वो 1040 पास्कल के बराबर। तो इसके अंदर मैक्सिमम प्रेशर इतने तक पहुंच सकता है। अब पूछा क्या है, इस प्रेशर पे टेम्परेचर, और नीचे वाले पार्ट में प्रेशर भी बोल रखा था, तो प्रेशर तो मैच हुआ नहीं मैक्सिमम प्रेशर। तो अब जरा कैलकुलेट करते हैं टेम्परेचर कितना है। तो टेम्परेचर कैसे कैलकुलेट करें, तो हम ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स है गैस के वो पहले और बाद में बराबर होंगे, तो हम उसके लिए लिख रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स P1V1/T1 = P2V2/T2। टेम्परेचर बाद का पूछा हुआ है, तो बाद का टेम्परेचर आ जाएगा P2 by P1, वॉल्यूम V2 by V1, और इनटू टेम्परेचर T1। तो बाद में प्रेशर हुआ 1040, इनिशियल प्रेशर था 1000, वॉल्यूम लिख सकते हैं इसकी लेंथ और रेडियस से पाई आर स्क्वायर एच, तो इसका सिलेंडर का, प्लस ये हेमिस्फेरिकल सरफेस, तो इसको मैं बोल सकता हूं पाई आर स्क्वायर एच प्लस हेमिस्फेरिकल सरफेस 2/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर एच, पहले का जब सरफेस बिल्कुल फ्लैट थी तब, इनटू T1, और T1 की वैल्यू यहां पे गिवन अपन को क्वेश्चन में 250, वो यूज करेंगे, तो इस टर्म को हटा रहे भी इधर वाले पार्ट को। तो देखें आगे डिवाइड करते हैं, ये वैल्यू हो गई 1, और उधर है 1040 डिवाइड बाय 1000, और ये है 250, और ये वाला टर्म है 1 प्लस 2/3, पाई कैंसिल हो चुका है, एक आर रहेगा एच रहेगा, और आर और एच की वैल्यू, आर की वैल्यू है 5, एच की वैल्यू है 25, सेम डायमेंशन में, तो 1/5 हो जाएगा ये, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1040 डिवाइड बाय 1000 इनटू 250, और ये आ जाएगा 1517/15, और इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो ये 295 केल्विन के आसपास वैल्यू अपनी आ जाती है। तो यहां पर फाइनली जो टेम्परेचर आ गया इसके इनसाइड मैक्सिमम प्रेशर पर, वो टेम्परेचर आ जाएगा 295, और जो प्रेशर आ गया था वो 1040 पास्कल के बराबर है, तो अपना जो ऑप्शन होगा वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्ड के बाद नेक्स्ट पार्ट पे चलें, फोर्थ में बोल रखा है कि जो मैक्सिमम प्रेशर अटेन किया तब तक, ये कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, वो वर्क डन पूछा हुआ है कि वर्क डन बाय गैस कितना होगा, तो वर्क डन बाय गैस किस तरह से कैलकुलेट करें, तो वर्क डन बाय गैस के लिए और टर्म क्या क्या पूछे हुए हैं, इंटरनल एनर्जी में चेंज पूछा हुआ है, हीट एब्जॉर्ब पूछा हुआ है, वर्क डन अगेंस्ट सरफेस टेंशन पूछा हुआ है। तो वर्क डन बाय द गैस हम क्या बोल सकते हैं, इसको एक्सपेंड किया एक तरह से, एक्सपेंड किया तो एक्सपेंड करने में कितना वर्क कर रहा है, या तो हम बोल सकते हैं कि पीडीवी का इंटीग्रेशन कर दें, दूसरा ये कर सकते हैं कि किनके अगेंस्ट वर्क किया है, तो वर्क डन बाय गैस क्या था, वर्क डन अगेंस्ट सरफेस टेंशन, और वर्क डन अगेंस्ट जो एक्सटर्नल प्रेशर है उनके अगेंस्ट किया हुआ है, तो इनका जो वर्क है इनका वर्क कैलकुलेट करें उसका नेगेटिव, क्योंकि ये इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, सरफेस टेंशन का वर्क हो जाएगा टेंशन इनटू चेंज इन एरिया चेंज इन एनर्जी, एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है पी डेल्टा वी बोल सकते हैं, तो यहां से हम यूज करेंगे पी डेल्टा वी का इंटीग्रेशन के बजाय, तो ये यूज करते हैं, तो वर्क डन बाय सरफेस टेंशन आ जाएगा टी डेल्टा ए, पहले फ्लैट सरफेस है एरिया पाई आर स्क्वायर बोल सकता हूं, बाद में हेमिस्फेरिकल है जिसका एरिया 2πr² बोल सकते हैं, तो ये आ गया टी इंटू 2πr² -πr², ये सरफेस टेंशन का वर्क आ गया। एक्सटर्नल प्रेशर का वर्क कितना आ जाएगा उसके अगेंस्ट पी नॉट, और वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ है, तो वॉल्यूम में चेंज कितना हुआ, एक तरह से ये हेमिस्फेरिकल पार्ट ऐड हो गया इसके अंदर, पहले कुछ नहीं था फ्लैट था, तो हेमिस्फेरिकल पार्ट का जो वॉल्यूम है वही वॉल्यूम में चेंज हुआ है 2/3 πr³।
ये वर्क डन बाय द गैस हो जाएगा। अब इसमें टर्म जो दे रखे हैं वो यूज करते हैं और डेटा कैलकुलेट करते हैं। तो सरफेस टेंशन की वैल्यू, सरफेस टेंशन की वैल्यू है 5 × 10⁻²⁺। ये डिफरेंस आया पाई आर स्क्वायर, रेडियस था 5 mm, ये सरफेस टेंशन का वर्क आ जाएगा। और एक चीज, सरफेस टेंशन का वर्क कैलकुलेट कर रहे तो जो एरिया है एक्चुअल में यहां पे हमें डबल कंसीडर करना है, क्योंकि फिल्म के अंदर हम इनर और आउटर सरफेस दोनों कंसीडर करते हैं, तो सरफेस एरिया में चेंज है तो यहां पे डबल और है। प्लस एटमोस्फेरिक प्रेशर, मतलब आउटसाइड प्रेशर एक तरह से 1000, और ये है 2/3 pi एक मिनट, ठीक सही है, 2/3 pi r³, रेडियस है 5 × 10⁻³⁺ क्यूब। ये वैल्यू आई, ये वर्क डन बाय गैस हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं एक बार, तो ये वैल्यू आ गई 25 × 5 = 125 × 2, तो ये 10 बोल दो, तो ये है 250 pi × 10⁻⁶⁸, प्लस ये वैल्यू है 10/3 pi × 10⁻⁹, 3 गए -6। तो यहां पे वर्क डन बाय गैस, इसमें ये वैल्यू तो आ गई 250 pi × 10⁻⁸, और ये वैल्यू जो है इसमें 25 पावर है, इधर 5 का क्यूब था, तो 5 × 10, एक तो 10 हो गया, एक 25 रह गया। अब इसमें ये वाला जो टर्म है इसको हम बोल सकते हैं लगभग पाई बाय 4 बोल दूं इसको, इसको 1000/4 करते हुए, 10⁻⁵, प्लस इधर वाला जो टर्म है ये आ गया 10 और ले जाएं एक और, तो 2.5/3 pi × 10⁻⁴। ये वैल्यू होगा। अब ये वैल्यू इसके कंपैरिजन में तो ज्यादा है, तो इसको हम एक तरह से नेग्लेक्ट कर दें अगर, तो ये टर्म आ जाएगा पाई बाय 3, तो लगभग ये इसको हम 3 के अराउंड बोलते, 3.14 है, तो लगभग 1 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगा। तो इसको सॉल्व करने पर ये आ रहा है 2.7 × 10⁻⁴ जूल के बराबर, ये वर्क आ रहा है। तो यहां पे पूछा हुआ था कि कितना वर्क डन बाय द गैस है, तो वो तो आ रहा है 2.7 × 10⁻⁴ जूल, फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट है। वैसे तो सिंगल चॉइस है, आगे चेक करने की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन अगर फिर भी देखना चाहें तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, तो इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस का चेंज हम क्या बोलेंगे, डेल्टा यू इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी। अब एन सी वी कैसे कैलकुलेट करें, तो एन नंबर ऑफ मोल्स हम क्या बोल सकते हैं, P2V2 या P1V1 बाय RT1, R गैस कांस्टेंट है, सी वी जो गैस भरी हुई है उसके अकॉर्डिंग। तो यहां पर जो गैस है उसको हम कंसीडर कर ले एक बार, नॉर्मल एयर है तो हम कंसीडर कर सकते हैं डायटोमिक की जैसे, तो ये हो जाएगा 5/2 R, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर वो 250 और 295 का डिफरेंस 45 ही आ जाए। तो यहां से हम डेल्टा यू की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और डेल्टा यू की वैल्यू जब कैलकुलेट करते हैं तो ये लगभग शायद वैल्यू आ जाती है 8.8 के अराउंड × 10⁻⁴ जो हीट एब्जॉर्ब कैलकुलेट करना है, तो हीट एब्जॉर्ब के लिए W प्लस डेल्टा U कर देंगे, तो W प्लस डेल्टा U, W की वैल्यू थी 2.7, ये 8.8 के अराउंड आती है, 11.5 के अराउंड ये वैल्यू आएगी। ऑप्शन दे रखा है 12.4 के अराउंड, तो ये भी मैच नहीं होगा। वर्क डन अगेंस्ट सरफेस टेंशन, तो ये टोटल वर्क था, वर्क डन अगेंस्ट सरफेस टेंशन नहीं है, वर्क डन अगेंस्ट सरफेस टेंशन तो केवल इतना है, तो उसके अकॉर्डिंग अपना फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन बी पे आते हैं। सेक्शन बी में 6 क्वेश्चंस है और मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है इसके अंदर। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं, पहले क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक ब्लॉक है मास 5 mm का है और एक स्मूथ स्फेयर से, सॉरी स्मॉल स्फेयर से कनेक्टेड है जिसका मास m डेंसिटी हुआ। अब आइडियल स्ट्रिंग है जो स्मूथ पुली के ऊपर से पास हो रही है और प्लेन का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 दे रखा है, और जो बॉल जिस लिक्विड के अंदर है उसकी डेंसिटी ρ/2, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा, ब्लॉक को रिलीज किया, स्ट्रिंग जस्ट टाइट थी उस टाइम पर, तो कुछ टाइम के बाद ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और अज्यूम करना है कि जो बॉल है वो ऑलवेज लिक्विड के अंदर है, ये कंसीडर कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं,
पहले ऑप्शन में बोल रखा है कि जस्ट रिलीज करने के बाद एक्सेलरेशन कितना होगा, तो देखें रिलीज करने के जस्ट बाद इस पे आगे की ओर तो फोर्स आ गया 5 mg साइन कंपोनेंट साइन 37, पीछे की ओर फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा, अगर ये स्लिप होता हुआ जा रहा है तो फ्रिक्शन बोल सकते हैं म्यू एन और एन की वैल्यू आ जाएगी mg cos थीटा, ये इसकी वैल्यू, पीछे की ओर टेंशन फोर्स है, आगे की ओर एक्सेलरेशन है, इस वाले बॉल पे नीचे की ओर mg लगेगा, इधर बना देते बॉल का थोड़ा फ्री बर्ड डायग्राम, कि बॉल पर डाउनवर्ड mg लगा, अपवर्ड बॉयंसी फोर्स लगेगा, बॉयंसी फोर्स बोलोगे डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो हाफ है ऑब्जेक्ट की, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू जी, तो ये दिख रहा है mg बाई 2 के बराबर बॉयंसी फोर्स, ठीक है, तो इसमें बॉयंसी फोर्स अपवर्ड लग रहा है mg बाई 2 और टेंशन फोर्स अपवर्ड है t। अब टाइम के साथ साथ जैसे वेलोसिटी आती जाएगी वैसे वैसे विस्कस फोर्स आता जाएगा वेलोसिटी के अपोजिट डाउनवर्ड इस पे, तो शुरुआत में पूछा हुआ तो शुरुआत में एक्सेलरेशन है, विस्कस फोर्स की वैल्यू जीरो क्योंकि वेलोसिटी शुरुआत में है नहीं, तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें यहां पे ब्लॉक था तो इस पर और इस पर जो नेट मोशन की डायरेक्शन में फोर्स है डिवाइड बाय माइनस टाइम्स अपोजिंग फोर्स डिवाइड बाय मास एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, तो एक्सेलरेशन के लिए लिख रहा हूं इस पर जो भी फोर्स मूव करवा रहा है 5 mg साइन 37 माइनस म्यू mg कॉस 37 माइनस इस पे अपोजिंग फोर्स एक mg और सपोर्टिंग फोर्स mg बाई 2, तो दोनों का डिफरेंस mg बाई 2 बोल दे डिवाइड बाय टोटल मास 6 m। तो यहां से अगर कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू जो दिख रही है 0.5 ये बोल सकते हैं, 0.8 ये बोल सकते हैं, 0.5 0.8 तो 3 माइनस 0.5 और 8 13 1.3 डिवाइड बाय 6 m कैंसिल हो गया था जी, तो ये डिफरेंस आ जाएगा 1.7 तो 17/60 जी के बराबर ये एक्सेलरेशन आ जाएगा इसका, तो इनिशियल एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो गया, पहला ऑप्शन ये था कि एक्सेलरेशन 17g/60 आना चाहिए, आ रहा है, सेकंड टेंशन स्ट्रिंग में जस्ट रिलीज करने के बाद, तो जस्ट रिलीज करने के बाद टेंशन या तो इससे या इससे कैलकुलेट कर लेते हैं, एक्सेलरेशन पता है इस वाले टर्म से, अगर टेंशन फोर्स कैलकुलेट करें तो ये टेंशन फोर्स के लिए बोल सकते हैं 5 mg साइन 37 माइनस म्यू mg cos 37 माइनस टी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये वैल्यू होगा, तो टेंशन फोर्स की वैल्यू यहां से आ रही है 5 कैंसिल करें 3 और ये भी कैंसिल हुआ 8 3 माइनस 0.8 और सॉरी 0.8 और ये इधर जाएगा माइनस 12 17/12 और ये mg, सब में से mg कॉमन आ जाएगा, तो इतना टेंशन फोर्स का वैल्यू होगा 17/12, ये वैल्यू 1 से ग्रेटर है, ये वैल्यू 1 के अराउंड है, तो अगर डिफरेंस देखेंगे तो लगभग 2 का डिफरेंस इसमें से आएगा, तो 3 2, तो लगभग mg के अराउंड वैल्यू आएगा, जबकि ऑप्शन क्या दे रखा है 2.2 mg इनिशियल, तो ये मैच होगा नहीं सेकेंड। अब थर्ड वाले पार्ट पे पूछा हुआ है कि जो टेंशन फोर्स है ये टेंशन फोर्स की वैल्यू जब कांस्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी उस टाइम पर, तो देखते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी के टाइम पर, तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जा रही है तो उस टाइम पर एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो, टेंशन फोर्स यहां से कैलकुलेट करूं तो ये आगे वाला फोर्स 5 mg साइन 37 माइनस म्यू 5 mg कॉस 37 माइनस टी इक्वल्स टू जीरो, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो इक्वल्स टू टी बोल सकता हूँ, टी की वैल्यू आएगी तो 5 ये कैंसिल हुआ, तो ये हो गया 3 माइनस 0.8, तो ये आ जाएगा 2.2 mg, mg है साथ में, तो 2.2 mg के बराबर टेंशन फोर्स की वैल्यू आ गई। तो यहां पर ये पूछा था कि टेंशन फोर्स की वैल्यू कितनी है 2.2 के बराबर, नेक्स्ट पार्ट में जो वेलोसिटी है कांस्टेंट वो कितनी आ गई वो देखें, तो इस वाले पार्ट पे विस्कस फोर्स लग रहा है, उस विस्कस फोर्स को देखते हैं, टेंशन फोर्स को देखते हैं, तो
हटाते हैं एक बार पूरे को, तो उस वाले पार्ट पर जो विस्कस फोर्स है और बाकी फोर्सेस है, डाउनवर्ड एम जी, अपवर्ड बॉयंसी फोर्स, वेट का हाफ लग रहा है, अपवर्ड टेंशन फोर्स लग रहा है और डाउनवर्ड विस्कस फोर्स आ रहा होगा, ठीक। कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, तो टी की वैल्यू आ गई थी 2.2 एम जी, एम जी बाई टू, और ये दोनों का डिफरेंस लिख सकता हूं एम जी बाई टू माइनस विस्कस फोर्स 6 पाई नीटा आर वी, सॉरी आर वी के बराबर, और ये इक्वल्स टू जीरो। कितना वैल्यू है, तो हमें वेलोसिटी पूछी है, तो ये आ गया 2.2 माइनस 0.5 1.7 एम जी इक्वल्स टू 6 पाई नीटा आर वी टर्मिनल, तो टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी 17/60 एम जी बाय पाई नीटा आर के बराबर। देखते हैं, तो 17 एम जी बाय 60 पाई नीटा आर वी के बराबर, तो ऑप्शंस अपने करेक्ट हो गए, एक्सेलरेशन, फाइनल टेंशन और कांस्टेंट वेलोसिटी फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक एक्सटर्नल फोर्स जो है 6 न्यूटन का, वो अप्लाई किया हुआ एक स्फेरिकल स्फेयर पे, रेडियस है 10 सेंटीमीटर, मास 1 केजी, और स्फेयर जो है वो मूव कर रहा है लिक्विड में कांस्टेंट वेलोसिटी से 5 मीटर पर सेकंड, जो 53 डिग्री एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड इज 20/6 pi, ऐसा यूनिट में बोल रखा है। तो कुछ ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है कि इस पे जो विस्कस फोर्स लग रहा है वो 10 न्यूटन का लग रहा है, तो देखें इस पे फोर्सेस कौन कौन से होंगे, इसका वेट होगा, बना देते हैं डाउनवर्ड वेट, लिक्विड के अंदर है तो ऊपर की ओर बॉयंसी फोर्स लगेगा, तो लिक्विड में अपवर्ड बॉयंसी फोर्स लगा, फिर इसमें जो फोर्सेस और है, एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रखा है वो अप्लाई किया हुआ है, तो एक्सटर्नल फोर्स कोई भी एक डायरेक्शन में मान लेते हैं, इस पे विस्कस फोर्स को किधर लगेगा, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इधर की ओर विस्कस फोर्स लग गया इस पे 6 पाई नीटा आर वी के बराबर, और एक एक्सटर्नल फोर्स है, कोई सी भी डायरेक्शन ले लो एक्सटर्नल फोर्स, ये रहा, इस तरह से होगा, तो एक बार सही से बनाते हैं, तो ये जो दोनों फोर्स है इन दोनों को एक साथ कंसिडर कर लेते हैं, इस तरह की सिचुएशन। अब ये फोर्स को किधर लगेगा, जिधर मोशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मोशन था इसका 53 पे, तो ये 53 पे लग रहा है, ठीक। इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, डेटा गिवन है इसका, तो 6 पाई नीटा 20/6 pi, आर रेडियस इसकी, इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, 0.1 लिख दूं, और टर्मिनल वेलोसिटी 5 बोल रखी है, इंटू 5 कर दे, ये आएगा, तो 6 पाई कैंसिल हुआ, ये 0 कैंसिल हो गया, 5 इंटू 2 10 इसकी वैल्यू है, इस फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन है, ये निकल गया आगे। अब ये 10 न्यूटन आया, बाकी फोर्सेस जो है उसमें देखते हैं अभी। अब इसमें ये 10 न्यूटन का फोर्स है, एक और फोर्स लगा रखा है, और नेट मिला के ये है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना चाहिए इसमें, ठीक है, तो इसमें mg, तो इसमें जो एक्सटर्नल फोर्स है इसकी वैल्यू गिवन है 6 न्यूटन। अब ये अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो नेट फोर्स 0 है, तो हम बोल सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल में भी फोर्सेस बैलेंस हो रहे होंगे, वर्टिकल में भी हो रहे होंगे, तो हॉरिजॉन्टल में जरा बैलेंस करते हैं, हॉरिजॉन्टल में 10 cos 53 डिग्री, और ये बैलेंस होगा इस फोर्स से, थीटा मान लेते हैं 6 cos थीटा, cos 53 होता है 3/5, तो 3/5 करोगे तो ये 6 ही आ रहा है, तो ये 6 कैंसिल हो गया, cos थीटा 1 मतलब थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, मींस ये फोर्स बिल्कुल हॉरिजॉन्टली अप्लाई किया हुआ है। अब दूसरा जो कंपोनेंट है 10 sin 53 mg और बॉयंसी फोर्स को मिला के है, साइन 53 की वैल्यू हो जाएगी 4/5, तो 8 आ जाएगा mg माइनस बॉयंसी फोर्स, ये वैल्यू आ गई। अब ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या पूछ रहा है, फर्स्ट में विस्कस फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन है, ठीक है, डिफेक्टिव वेट मतलब वेट माइनस अपथ्रस्ट 8, वो भी आ रहा है वेट माइनस अपथ्रस्ट 8 के बराबर, डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई मस्ट बी हॉरिजॉन्टल, वो भी कैलकुलेट होकर आ गया, थीटा की वैल्यू 0 होनी चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स इज सडनली, इफ द एक्सटर्नल फोर्स सडनली रिमूव देन एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी जस्ट आफ्टर रिमूविंग एक्सटर्नल फोर्स, तो अगर एक्सटर्नल फोर्स रिमूव कर दिया तो बॉडी पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, क्या मैं बोल सकता हूँ 6 न्यूटन के बराबर, क्योंकि पहले सारे फोर्सेस मिला के बैलेंस हो रहे हैं, नेट फोर्स पहले 0 था,
जिसके अंदर ये 6 न्यूटन का भी है, और जैसे ही ये 6 न्यूटन का फोर्स हटाया, बाकी फोर्स मिला के वो 6 को एक तरह से इधर ले जाऊंगा, क्योंकि ये तीनों मिला के बैलेंस हो रहे हैं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट 6 को ही तो बैलेंस कर रहा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट 6 रह जाएगा बाद में 6 हटने के बाद, तो इस पे फोर्स रह गया 6 न्यूटन का। और ये पूछा रखा है एक्सेलरेशन, तो अगर फोर्स 6 न्यूटन है तो फोर्स बाय मास, एक्सेलरेशन भी आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसके अंदर सारे ऑप्शन करेक्ट सेकंड में। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में एक लाइट वायर लेंथ एल रेडियस आर वेल्ड कर दिया दूसरे वायर से 2L लेंथ 2R रेडियस, फ्री एंड फर्स्ट वायर का फिक्स है और सेकंड वायर को एक M मास से सपोर्ट लगाया हुआ है, यंग्स मॉडुलस हर एक वायर का वाई दे रखा है, एक्सटेंशन इन अपर हाफ वायर, ऊपर वाले वायर में एक्सटेंशन आएगा वो लिख सकते हैं यंग्स मॉडुलस से कि डेल्टा L बाय L इक्वल्स टू जो भी स्ट्रेस है Mg बाय A अपॉन यंग्स मॉडुलस, ये हम बोल सकते हैं स्ट्रेन इक्वल्स टू स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस लिखा हुआ है। तो इसमें जो डेटा गिवन है उसके करस्पॉन्डिंग लिखते हैं वैल्यू, नीचे वेट एम ही लगा रखा है तो टेंशन फोर्स एम जी, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो रेडियस आर दे रखी है, पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, वाई यंग्स मॉडुलस है तो चेंज जो हुआ अपर पार्ट में वो डेल्टा एल इक्वल्स टू एल एम जी एल हो जाएगा, एम जी एल बाय पाई आर स्क्वायर वाई। तो फर्स्ट पार्ट ठीक है कि जो अपर हाफ है उसमें एक्सटेंशन इतना आना है, टोटल एलोंगेशन पूरे वायर में तो ये अपर हाफ में आया, ऐसे लोअर हाफ में कैलकुलेट करें तो लोअर हाफ में जो चेंज आएगा डेल्टा एल टू, टेंशन तो वही है, लेंथ डबल है, रेडियस भी उसकी डबल की हुई है, तो रेडियस डबल की हुई है तो एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हाफ इसका एम जी एल बाय 2 पाई आर स्क्वायर वाई, तो ये 1 और हाफ मिला के 3 बाई 2 हो जाएगा, तो टोटल एलोंगेशन जो आएगा वो आ जाएगा 3 बाई 2 एम जी एल बाय पाई आर स्क्वायर वाई के बराबर, ये टोटल एलोंगेशन हो गया और ये दे रखा है टोटल एलोंगेशन, तो सेकंड भी ठीक है। थर्ड में टोटल एलोंगेशन वही दोबारा बोला हुआ है वो गलत है, रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम इन अपर एंड लोअर हाफ, पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी स्टोर जिसको हम बोलते हैं हाफ ऑफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, तो उससे कंपेयर करते हैं, तो एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम हाफ ऑफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, या स्ट्रेन को लिख दो स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस, या क्या? अब स्ट्रेस वाला जो टर्म होगा उसमें आएगा फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस के अंदर आएगा फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स कॉमन है सेम है तो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यंग्स मॉडुलस भी सेम बोल रखा है तो एरिया के स्क्वायर के सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा, और स्क्वायर में रेडियस आ जाएगा 4 तो रेडियस की फोर्थ पावर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो जिसकी रेडियस ज्यादा है वहां पे कम है, तो इस वाले की रेडियस ज्यादा है डबल है तो 2 की पावर 4 टाइम्स इसमें कम हो जाएगा एनर्जी, या 2 की रेज पावर 4 इसमें एनर्जी ज्यादा होगा, तो रेज पावर 4 मतलब 16, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट ठीक है, फिर सेकंड टोटल एलोंगेशन ठीक है, फोर्थ यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर है वो 16:1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में एक आइडियल लिक्विड है, डेंसिटी रो दे रखा है, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर में अप टू 3/4 हाइट भरा हुआ है, अब लिक्विड जो है उसको रोटेट करवा रहे हैं वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, और वो सिमेट्रिक है, कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, और लिक्विड जो है वो जो बीच वाला रीजन है उसमें कम हो गया, साइड वाले सरफेस पे बढ़ता जा रहा है, बाहर की तरफ नहीं जाना है, पैराबोलिक सरफेस है। अब करेक्ट ऑप्शन इसमें से देखने कौन से हैं, कि ये पहले बोल रखा है कि जो हाइट है एच नॉट ये टोटल हाइट का 1/4 है और ओमेगा ये सब कुछ पूछा हुआ, तो देखे यहां पर इनिशियल जो हाइट है जब इसको रोटेट करवाते हैं और लिक्विड कोई बाहर नहीं जा रहा होता है तो ये जो इनिशियल हाइट है ये मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज होता है, तो यहां पर मिनिमम हाइट इसको मैं बोल सकता हूं h माइनस एच नॉट, मिनिमम हाइट प्लस मैक्सिमम हाइट बाय 2, मिनिमम हाइट ये हो गई, मैक्सिमम हाइट हो गई, डिवाइड बाय 2
ये इसके बराबर आएगा, एवरेज हाइट 3h बाई 4 के बराबर, ठीक है। तो इसमें यह आ गया था 2h, 3h बाई 4 या 3h बाई 2, 2 कैंसिल कर दिया और ये आ गया 2h माइनस h नॉट। तो ये h बाई 2 डिफरेंस आ जाएगा, तो h नॉट की वैल्यू हो जाएगी h बाई 2 के बराबर। तो इसका मतलब ये h बाई 2 के बराबर है, आधा पोर्शन डिफरेंस। अब ओमेगा की वैल्यू कंपेयर करनी है और जो प्रेशर में डिफरेंस है वो कंपेयर करना है। तो देखें x में जाते हुए, जब x में कोई भी दो पॉइंट लोगे और प्रेशर डिफरेंस अगर लिख रहे हैं, तो कोई भी दो पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस आएगा रो, जो भी एक्सेलरेशन है, इंटू एल के बराबर, हॉरिजॉन्टल में प्रेशर में डिफरेंस, कोई भी दो पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस। तो रो ए एल जब रोटेट करवाते तो एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर होगा, तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो हॉरिजॉन्टल में कोई भी दो पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस रोटेशन की वजह से इतना आ जाएगा, तो ये थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट है। वाई में देखेंगे तो वाई में जैसे जैसे नीचे आते जाओगे प्रेशर इंक्रीज होगा, या हाइट बढ़ते जाओगे तो डिक्रीज होता जाएगा, तो प्रेशर में चेंज हाइट के साथ इसमें आ जाएगा रो जी एच के बराबर या डी वाई, ठीक है। तो हाइट के साथ डिक्रीज हो रहा है इसलिए माइनस साइन है, तो प्रेशर ये भी आ जाएगा। ओमेगा कंपेयर करना है हाइट के साथ एच के साथ, तो किसी भी एक पॉइंट का, इस पॉइंट का प्रेशर लिख देते हैं, तो इस पॉइंट का प्रेशर लिख रहे हैं हम, तो वो प्रेशर आ जाएगा हॉरिजॉन्टल के हिसाब से रो ओमेगा स्क्वायर, और जो भी इसका डिस्टेंस है, ये प्रेशर डिफरेंस था, रो ओमेगा एक्स डीएक्स, इंटीग्रेशन करेंगे आर स्क्वायर बाई टू आएगा। ये हॉरिजॉन्टल में प्रेशर डिफरेंस इन दोनों पॉइंट के बीच, ठीक है। अब सेम प्रेशर डिफरेंस हाइट से लिख रहा हूं, तो सेम प्रेशर डिफरेंस हाइट से आ जाएगा रो जी एच, और एच नॉट की वैल्यू है एच बाई टू, तो इससे ओमेगा की वैल्यू आ गई, रो कैंसिल हुआ, टू कैंसिल हो गया, ये आ गया जी एच बाय आर स्क्वायर रूट, देखते हैं। तो ये ओमेगा की वैल्यू भी आ गई, तो फर्स्ट गलत है, बाकी तीन ऑप्शन अपने करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है, होल्स का वो सेम है और स्मॉल है यहाँ पर एज कंपेयर टू एरिया ऑफ कंटेनर, एक तरह से बोल सकते हैं। अब इसमें कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं वो कैलकुलेट करने, तो क्या किया हुआ है, तीन लिक्विड है रो टू रो और थ्री रो के, ऊपर वाले में होल किया हुआ है, इसमें मिड में होल किया हुआ है, इसमें बॉटम पे होल किया हुआ है, बॉटम वाले लिक्विड में। तो इनमें ये रेंज कंपेयर करनी है, रेंज कितनी है, तो पहले तो ये देख लें कि ये वाटर बाहर आएगा उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो देखें बर्नौलीज इक्वेशन अगर हम लगाते हैं इस टैंक में, किसी भी टैंक के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड है, यहां से वाटर बाहर आएगा तो यहां पर प्रेशर पी नॉट, नीचे लिखते जाए इस पॉइंट तक, तो पी नॉट प्लस रो जी एच, रो वन जी एच वन बोल दो, रो टू जी एच टू, रो थ्री जी एच थ्री, इसके कंपैरिजन में इस पॉइंट का प्रेशर प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, यहां पे वेलोसिटी लगभग जीरो है, तो जीरो इक्वल्स टू इस वाले पॉइंट पर जब लिक्विड बाहर आएगा तो पी नॉट प्लस हाफ रो, रो कौन सा, थ्री वी स्क्वायर, हाइट जीरो। तो इसके कंपैरिजन में जैसे ये एच थ्री हाइट रो थ्री लिक्विड में, एच टू रो टू में, रो वन में, तो ये रिलेशन आ रहा है, पी नॉट कैंसिल हुआ, तो जो वेलोसिटी आ जाएगा वो आ जाएगा टू रो वन एच वन, टू रो टू एच टू, प्लस टू रो थ्री एच थ्री, जी कॉमन है, और डिवाइड बाय रो थ्री का रूट, इतना वेलोसिटी आएगा। अब देखते हैं तीनों में क्या क्या ऑप्शन है। फर्स्ट में लिक्विड जो है ऊपर से एच हाइट पे होल किया हुआ है, तो यहां पर पहले के अंदर तो लिक्विड ही एक ही है, बाकी सारे टर्म कैंसिल हो गए, ये एच आ गया, ये डेंसिटी कैंसिल हो गए, तो फर्स्ट में V1 की वैल्यू आ जाएगी रूट टू जी एच। सेकेंड में, पहले में 2H और दूसरे में H हाइट है, तो ये है 2H, ये H है, और डेंसिटी जो है वो 2 रो है, तो यहां पर वैल्यू आ गई 2 रो 2H प्लस 2 रो, रो की वैल्यू डबल है 2H, और H की वैल्यू H, रो H ये वैल्यू, और जी और डेंसिटी जिसमें से बाहर आ रहा है वो टू रो के बराबर,
कितना वैल्यू होगा? तो ये हो गया 8/2 4, तो ये वैल्यू आ जाएगा रूट के अंदर 4 g. ये V2 की वैल्यू आ गई। थर्ड वाले लिक्विड में रो यहां पे लिख रहे हैं, तो रो जी एच वाला टर्म था, रो जी एच वाला टर्म है 2h, दूसरे वाले लिक्विड में 2 rho g 2h, और थर्ड वाले लिक्विड में 3 rho g h डिवाइड बाय रो थ्री जिसमें से बाहर आ रहा है रो थ्री, और एक g की वैल्यू आई गई है, पूरा लिख दिया रूट। एक 2 का टर्म भी है यहाँ पे, सॉरी, तो यहां पे लिख देते हैं इतना वेलोसिटी है। तो ये आ गया 2 4 6 और 7 8 9 और 18/3, तो ये आ जाएगा 18/3, तो 6 g h के बराबर। तो वेलोसिटी जो आया, फर्स्ट में आया √2 g h, √4 g h, और थर्ड वाले में √6 g h। तो पहले पार्ट में यही पूछा हुआ है कि यहां पर x1 x2 x3, अभी तो रेंज बाकी है, वेलोसिटी कैलकुलेट किया, अब रेंज पे आते हैं, एक बार बाकी पार्ट हटाते हैं, वेलोसिटी साइड में लिख देते हैं। तो फर्स्ट में वेलोसिटी आया √2 g h, सेकंड में 4 g h, और थर्ड में वेलोसिटी है √6 g h। अब वो रेंज पूछा हुआ है, हॉरिजॉन्टल रेंज, वो हो जाएगा u√2h/g, ठीक है। अब इसमें u का टर्म अंदर ले जाओगे सब में, तो रूट है, रूट हटने के बाद वैल्यू बचेगी, और फिर h की वैल्यू आएगी कि कितनी हाइट से लिक्विड आ रहा है। तो पहले में लिक्विड जो आ रहा है 2h 2h, और h 5h है, तो 5 तो यहां आएगा, और ये रूट के अंदर से 2 और आएगा, तो 5 और 5 इसकी वजह से, और 2 इसकी वजह से, तो 10 बोल दो रूट के अंदर पहले वाले में, बाकी टर्म चलेगा वैसा का वैसे। सेकेंड वाले के अंदर जो हाइट वाला टर्म आएगा वो आ जाएगा h+2h 3h, तो यहां तो 3h वाला टर्म बनेगा, वेलोसिटी में 4 है, 4 और 3 12, ये x2 बनेगा। x3 के अंदर ये हाइट केवल h है, तो ये तो h बनेगा, लेकिन ये 6 है, तो ये आ जाएगा √6 के प्रोपोर्शनल x3। तो x1 x2 x3 आ गया, अगर 2 कैंसिल कर दे तो ये √5 √6 और √3 के प्रोपोर्शनल, फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो A1 A2 A3 है, तो पूछा हुआ है कि जो, सॉरी, ग्राउंड पे क्रॉस सेक्शनल एरिया पूछा है यहाँ पे कितना होगा। तो ग्राउंड पे क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाते हैं, A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2, तो A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2, और वेलोसिटी कितनी होगी, नीचे आएगा, तो नीचे आने पर वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल तो एज इट इज रहेगी, ऊपर की ओर √2 g h और आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो एरिया है, फाइनल एरिया लिख देता हूँ, वो इनिशियल एरिया, इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 g h जिस हाइट से आ रहा है इसका रूट, ये, या एरिया फाइनल लिख सकते हैं, इनिशियल एरिया डिवाइड बाय वेलोसिटी को इधर डिवाइड में ले जाओ, 1 + 2 g h और v इनिशियल का स्क्वायर, ऐसे बोल सकते हैं। अब जरा वेलोसिटी और हाइट से कंपेयर करना है फिर से, तो पहले के अंदर वेलोसिटी रूट के अंदर 2 का टर्म है यहाँ पे, और हाइट के अंदर जो टर्म था वो 5h का टर्म था, फर्स्ट वाले में 5h हाइट से आया, तो 5h यहाँ आएगा, तो फर्स्ट वाले में जो एरिया आएगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा एरिया इनिशियल डिवाइड बाय रूट के अंदर ये टर्म है 5, ये था 5h, और ये टर्म है, लिख देते हैं एक बार, 1 + 5h, तो ये हो गया 10 g h डिवाइड बाय वेलोसिटी 2 g h फर्स्ट, तो ये हो गया 5 6, तो एरिया जो 1 है वो प्रोपोर्शनल है 1/√6 के पहले वाले। दूसरे में देखें, दूसरे वाले के अंदर एरिया कैलकुलेट करोगे तो हाइट, कितनी हाइट से लिक्विड गिर रहा है, तो दूसरे वाले के अंदर लिक्विड हाइट है h+2h 3, तो यहां पे रहेगा 3 और 2 6 g h डिवाइड बाय लिक्विड की वेलोसिटी आएगी 4 g h, 1 + ये रूट में चल रहा है और बाकी टर्म ऊपर एरिया इनिशियल, ये दूसरे का एरिया।
तो दूसरे के एरिया में आ जाएगा ये टू थ्री, तो फोर सेकंड वाला एरिया इधर लिख रहे हैं। तो एरिया टू आ जाएगा इनिशियल एरिया डिवाइड बाय फोर, टू और थ्री फाइव बाय टू, या फर्स्ट एरिया आया था इनिशियल एरिया डिवाइड बाय रूट सिक्स। और थर्ड में एरिया कैलकुलेट करें तो थर्ड में एरिया आ जाएगा इनिशियल एरिया डिवाइड बाय रूट वन प्लस 2gh। थर्ड वाले में ये h हाइट से नीचे गिर रहा था लिक्विड, सॉरी थर्ड में h हाइट से गिर रहा है, तो h 2gh अपॉन इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इसके अंदर थी 6, 6gh। तो ये इनिशियल एरिया ये हो गया 6, 7, 8 या 1 बाई 3 बोल दो, तो 4 रूट में 3, 4 बाई 3 एरिया इनिशियल, इस तरह का रिलेशन कुछ हमें दिख रहा है। तो देखें अब ऑप्शन क्या दे रखा है उस पर देखते हैं। ऑप्शंस में दे रखा है कि 1, 2, 3 का रेशियो स्क्वायर में कर दे अगर, तो 2, 2 और 3 के रेशियो में तो ये दोनों बराबर तो कहीं से नहीं दिख रहे। और दूसरे में बोल रखा है कि पहले का 12 टाइम्स कर दे, तो 6 इधर ले जाओ, तो पहले का एरिया का 12 टाइम्स, तो 6 इधर गया और स्क्वायर भी करना है, तो रूट 6 का स्क्वायर किया तो 6a1 वो आ रखा है ai के बराबर। यहां पे देखोगे तो यह आ जाएगा 5/2 स्क्वायर है, ये 5/2 a2, 5a2 स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ए इनिशियल स्क्वायर, और यहां पे वैल्यू आ रहा है 3, 4 a3 स्क्वायर इक्वल्स टू 3 टाइम्स ए इनिशियल स्क्वायर। अब देखते हैं, तो पहले में दे रखा है 12, ट्वाइस कर दो 12 है, 12a1 स्क्वायर, 5a2 स्क्वायर और 4a3 स्क्वायर, और सबकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 2:2:3 के बराबर। तो इसका मतलब ये जो फोर्थ ऑप्शन है वो अपना करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लोअर एंड एक कैपिलरी ट्यूब का जिसका रेडियस है 10^-3 डिप कर दिया एक लिक्विड में, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड 0.5 और स्पेसिफिक ग्रेविटी है 5। अब कॉन्टैक्ट एंगल जो है बिटवीन लिक्विड एंड मटेरियल ऑफ कैपिलरी ट्यूब इज 120 डिग्री, तो कैलकुलेट इसमें से कुछ चीजें पूछी हो, देखते हैं। मैक्सिमम पॉसिबल डिप्रेशन ऑफ लिक्विड कॉलम इन अ कैपिलरी ट्यूब, तो लिक्विड कॉलम जो होगा उसके लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं एच इक्वल्स टू 2t cos θ बाय रो आर जी। तो टू सरफेस टेंशन की वैल्यू, सरफेस टेंशन की वैल्यू हमें गिवन है इसमें 0.5, कॉस 120 डिग्री, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट 120 डिग्री दे रखा है, लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी 5, मतलब एक तरह से 5 g/cm³, तो 5000 m³ में रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब दे रखा है वो अपन को 10^-3 और जी की वैल्यू बोल रखी है 10। जरा देखते हैं इससे कैलकुलेशन, तो ये तो हो गया 1, कॉस 120 डिग्री या कॉस 60 डिग्री सेम है नेगेटिव वाइज, तो h की वैल्यू -1/2 थी यहां से आई डिवाइड बाय 5000 और नीचे ये 10^-3 और 10, तो ये तो कैंसिल हो गया पावर, और ये 5 × 10 ये हो गया और ये 10 हो गया, तो h की वैल्यू आ गई नेगेटिव में 1/100 m या 1 cm। तो पहले ऑप्शन में ये क्या बोल रखा है कि जो लेंथ है मैक्सिमम डिप्रेशन वो 1 cm का है, वो सही है। दूसरे में बोल रखा है 2 है वो गलत है, तो फर्स्ट हो गया। फिर इफ लेंथ ऑफ कैपिलरी ट्यूब इनसाइड लिक्विड इज हाफ कर दी जाए, जो मैक्सिमम पहले डिप हो रहा था उसका हाफ ही है कैपिलरी ट्यूब की इनसाइड डेप्थ, तो उसमें एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट कितना हो जाएगा वर्टिकल से वो पूछा है। तो इस बार क्या है कि हाइट इसके हाफ कर दें और फिर कैलकुलेट करना हो, तो एच की जगह लिख दिया 2t cos θ बाय रो आर जी, या इसको ऐसे हाफ लिखने के बजाय ऐसे लिख दो कि 2t cos θ इनिशियल ये फाइनल बाय रो आर जी का हाफ है हाइट, यही है। तो ये सारी वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, पहले एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट 120 था, cos 120 1/2 था,
बाई टू और है, 4 हो गया, माइनस भी है ये, और ये आ गया कॉस थीटा फाइनल। तो कॉस थीटा फाइनल आ जाएगा माइनस 1/4, तो थीटा आ गया कॉस इनवर्स माइनस 1/4। और सेकेंड में बोल रखा है कि अगर 1/3 कर दी जाए हाइट, तो यहाँ पे 1/3 कर दोगे अगर, तो 1/3 करने पर ये 1/3 आ जाएगा, 1/3 कर दिया अगर तो ये 1/3 आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी कॉस इनवर्स माइनस 1/6। तो इस वाले केस में ये भी हो जाएगा, तो अपना पॉसिबल आंसर जो आंसर्स आ जाएंगे 1, 3 और 4 के बराबर आ जाएंगे। ठीक है, तो सेक्शन डी में फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें दे रखा है कि कंटेनर जो है वो एयर से फिल किया हुआ है अंडर प्रेशर पी नॉट, और एक सो बबल है जिसका रेडियस आर है, वो इसी कंटेनर के अंदर है। एयर प्रेशर रिड्यूस कर दिया हाफ आइसोथर्मली, मीन्स टेम्परेचर जो है वो कॉन्स्टेंट कंसिडर करना है, एटमोस्फेरिक प्रेशर आउटसाइड जो प्रेशर है उसको हाफ कंसिडर करना है। तो न्यू रेडियस जो बबल का है वो 5r/4 है, सरफेस टेंशन सोप सॉल्यूशन का एस है, पी नॉट और जो कैलकुलेट होने पे आता है वो 16NS/R आता है, तो एन की वैल्यू कितनी है वो कैलकुलेट कर दो। तो देखें इसके अंदर हम बोल सकते हैं कि सोप बबल के अंदर जो गैस है उसका प्रेशर पहले और बाद में लिखें, वॉल्यूम लिखें, आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर को सेम कंसिडर करें। तो इस तरह से कंसिडर करते हुए हम बोलेंगे सोप बबल के अंदर इनसाइड पहले प्रेशर था पी नॉट प्लस 40/R, सोप बबल के अंदर प्रेशर इतना होगा इनिशियल, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम है 4/3 πr³, टेम्परेचर सेम है तो P1V1 = P2V2 लिख रहा हूं, बाद का प्रेशर है पी नॉट बाय 2 एटमोस्फेरिक प्रेशर, सराउंडिंग प्रेशर कम कर दिया, प्लस 40/R, और रेडियस इसमें बोल रखी है वो रखी है 5r/4, तो 5r/4 ये प्रेशर इनसाइड, वॉल्यूम 4/3 πr³ और रेडियस है 5r/4 का होल क्यूब, ये इसका वॉल्यूम। तो P1V1 = P2V2 किया है, अब आगे कैलकुलेशन देखते हैं, तो ये पूरा टर्म कैंसिल होगा, इधर आ जाएगा 5/4³, और इधर ये रह गया पी नॉट प्लस 40/R इक्वल्स टू पी नॉट बाई 2, और मल्टीप्लाई होगा ये 125 डिवाइड बाई 4³, 16×4 = 64, और प्लस ये आया था 16t, या एक 5r/4 यहां से 5/4 कैंसिल कर दे, एक 5/4 बचेगा यहां पे, तो 4×25/16, 4 तो ये था, 5/4 एक कैंसिल कर दिया, और एक नीचे टर्म है r। अब p नॉट वाले टर्म एक तरफ ले जाओ, ये है 128, तो p नॉट 1 − 125/128 इक्वल्स टू, इनमें से यहां पे टी था, 40/R कॉमन ले लें, तो ये टर्म है 25/16 और उधर से आया एक 1। पी नॉट की वैल्यू यहां से कैलकुलेट होके आएगी 16 − 25 9 × 4/16 / R, एक टी चल रहा है, और यहां से आ जाएगा 3 और ये 128 ऊपर, 128/3, अब जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल करते हैं, 4, 3 और 4 से सॉरी 32 ये रह जाएगा, तो पी नॉट की वैल्यू रह गई 3 × 32 × t/R, और जो क्वेश्चन में रिजल्ट दे रखा है वो बोला 16NS/R, तो अगर इसको 16 में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 16, तो इधर 2 कर दो, तो 6 × 16 t/R, तो n की वैल्यू आ जाएगी 6। नेक्स्ट, इसमें n की वैल्यू है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में एक मर्करी बैरोमीटर ट्यूब दे रखा है, उसके मिडिल में एक एयर कॉलम है जिसकी लेंथ है L0 और वैक्यूम है टॉप पर, यहां वैक्यूम है, ये एयर कॉलम है L0 लेंथ का, अंडर द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर 300 केल्विन पर L0 की वैल्यू है 10 cm, इसकी वैल्यू 10 cm दे रखी है। अब एयर कॉलम की लेंथ कितनी होगी टेम्परेचर राइज करके 330 केल्विन कर दिया जाए, तो देखें यहां पर इस गैस के अंदर, इस पार्ट के अंदर हम पहले प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर को बाद के प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर से कंपेयर करें, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स वही रहेंगे,
तो नंबर ऑफ मोल्स सेम कंसीडर कर रहे हैं पहले और बाद में। तो नंबर ऑफ मोल के लिए पहले का प्रेशर, तो इसके अंदर प्रेशर किस तरह से लिख सकते हैं, यहां पे वैक्यूम प्रेशर पी नॉट जीरो, यहां से नीचे आएंगे प्रेशर आएगा रो जी एच से, तो ये प्रेशर आया रो जी एच, प्रेशर रो मरकरी का जी, और ये हाइट इस कॉलम की हाइट, इसको एच कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब यहां पे ये तो लिखा है प्रेशर वॉल्यूम, इसके अंदर प्रेशर लिखा है, इसको वॉल्यूम लिखूंगा, एरिया इनटू लेंथ डिवाइड बाय टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन है, एक बार सो बाद में नंबर ऑफ मोल्स प्रेशर। अब देखें, अब जैसे ये एक्सपेंड या कंप्रेस कुछ भी हुआ हो, ये ऊपर वाला ये जो कॉलम है इसकी वैल्यू भी चेंज होगी, लेकिन रहेगा प्रेशर जीरो, वैक्यूम ही रहेगा, वैक्यूम है तो ये रो जी एच उतना ही रहेगा, तो अभी भी प्रेशर की वैल्यू रो जी एच ही है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ मरकरी में कोई ज्यादा एक्सपेंशन कंप्रेशन नहीं कंसिडर कर रहे। इंटू एरिया और नया लेंथ डिवाइड बाय नया टेम्परेचर 330, प्रेशर वाला टर्म कैंसिल, एरिया वाला टर्म कैंसिल, और ये नया लेंथ आ जाएगा 330 डिवाइड बाय 300 इंटू एल नॉट, और ये वैल्यू आ गया 30 से 3 से कैंसिल कर दो 10, ये हो गया 11, और एल नॉट की वैल्यू थी 10, 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये लेंथ आ जाएगी एल डैश इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में लेंथ पूछी थी, 11 सेंटीमीटर इसका आंसर है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमें एक रॉड दे रखा है, दो रॉड दे रखा है, और अपर हाफ की डेंसिटी दे रखी है रो बाई फोर, लोअर हाफ की डेंसिटी दे रखी है 3 रो बाई 4, वर्टिकली एक रो डेंसिटी के लिक्विड के अंदर इसको सबमर्ज किया हुआ है। लेंथ ऑफ रॉड, ताकि जो सेंटर ऑफ बॉयंसी है वो सेंटर ऑफ मास से कोइंसाइड हो जाए, तो उसके लिए ये इतना डिप किया हुआ होना चाहिए एक्स एल बाई 14। तो इसमें एक्स की वैल्यू कितनी है, मतलब इस वाले पूरे पार्ट को एक लिक्विड के अंदर डिप किया है, लिक्विड की डेंसिटी दे रखी है रो, अभी बोल रखा है कि जो इतना डिप करना है कि सेंटर ऑफ बॉयंसी और सेंटर ऑफ मास जो है वो एक ही जगह कॉन्सर्ट हो, तो लिक्विड की डेंसिटी से एक तरह से अपन को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सेंटर ऑफ बॉयंसी कहाँ होता है, जितना डिप कर देंगे उसके हाफ पे, क्योंकि यूनिफॉर्म बॉडी है तो ज्योमेट्रिकल सेंटर जहां पे होगा वो, तो ये अगर मैं इसको टोटल एक्स डिप कर दूं, एक्स डिप कर दूं, एक्स के बजाय दे रखा है एक्स का वैल्यू, तो इसको वाई कंसिडर कर लूं, वाई डिप कर दे तो सेंटर ऑफ बॉयंसी वाई बाई टू पे आएगा, यहां पे आएगा। अब सेंटर ऑफ बॉयंसी यहां पर है, सेंटर ऑफ मास भी यही होना चाहिए, तो अब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कैलकुलेट करके इसके बराबर कर देते हैं, यहीं से सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं, तो यहां से सेंटर ऑफ मास एम वन, और इसकी हाइट, इसकी सेंटर की हाइट आ जाएगी एल बाई फोर, तो इसका मास, तो ये जो नीचे वाला पार्ट है लोअर हाफ, उसकी डेंसिटी है 3 रो बाई 2, और ये है रो बाई 4, तो एक तरह से ये 6 टाइम्स है, इसका 6 टाइम्स करोगे तो ये डेंसिटी है, और लेंथ और एरिया सेम ही है तो मास भी 6 टाइम्स बोल दे, तो इसका मास मैं कंसीडर कर रहा हूं नीचे वाले पार्ट का 6m, ऊपर वाले का m, तो सेंटर ऑफ मास आ जाएगा m1, और इसकी पोजीशन l बाई 4 पे सेंटर ऑफ मास की, m2, इसका मास m कंसीडर कर लिया, और नीचे से पोजीशन सेंटर ऑफ मास की आ जाएगी l बाई 2 प्लस l बाई 4, 3l बाई 4 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, 7m, और ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या आनी चाहिए, इस पर आनी चाहिए सेंटर ऑफ बॉयंसी पर, और सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या है, टोटल हाइट जो दे रखी है क्वेश्चन में ये बोल रखा है एक्स एल बाई 14, और उसके हाफ पे सेंटर ऑफ बॉयंसी होगा, तो इतना डिप करने के लिए बोला हुआ है, सेंटर ऑफ बॉयंसी उसके हाफ पे था, इक्वेट करें तो यहां पर एल पूरा कैंसिल कर दो, एक तो एम कैंसिल कर दो यहां से, ये 6 और 3 9 बाई 4, और नीचे एक 7 वाला टर्म है, इक्वल्स टू एक्स 2 इंटू 14, तो 2 से 2 टाइम्स, 7 से 2 टाइम्स, ये पूरा कैंसिल हो गया, एक्स इक्वल्स टू 9 आ जाएगा। इसका मतलब यहां पर इसको डिप कर रहे हैं 9L/14 तक डिप कर देंगे तो सेंटर ऑफ मास और बॉयंसी एक ही जगह होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में एक थिन रॉड है, नेग्लिजिबल मास, क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है उसका, इसको वर्टिकल में सस्पेंड किया एक एंड से,
और इसकी जो लेंथ है वो 0.5 मीटर है 200 डिग्री सेल्सियस पे। रॉड को ठंडा कर दिया 0 डिग्री सेल्सियस तक, लेकिन ये करना है कि इसको नीचे एक मास इस तरह से अटैच करना है कि इसकी वैल्यू जो लेंथ है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, वो की हुई रहनी चाहिए। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये पूछा हुआ कि लोअर एंड पे कितना मास अटैच करें। तो देखें नीचे कुछ मास अटैच करने की वजह से लेंथ में चेंज होगा, इंक्रीमेंट होगा, और टेम्परेचर डिक्रीज करने की वजह से लेंथ में डिक्रीमेंट होगा, दोनों वैल्यू सेम हो जाए। तो मास लगाने पर जो लेंथ में चेंज आएगा स्ट्रेन, उसकी वैल्यू में बोल सकता हूं स्ट्रेस बाय यंग्स मॉड्यूलस। अब टेम्परेचर की वजह से जो चेंज आएगा डेल्टा एल, वो हम बोल सकते हैं एल अल्फा डेल्टा टी डिवाइड बाय एल करना है। तो हम बोल रहे हैं कि इस वेट की वजह से जितना लेंथ में चेंज आना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से उतना ही कम हो जाना चाहिए। तो इनको इक्वेट किया, एल कैंसिल हुआ, तो पूछा हुआ कितना मास अटैच करना है, तो एम की वैल्यू हो गई ए वाई अल्फा डेल्टा टी बाई जी के बराबर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो गिवन है अपन को, क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है 2 × 10⁻⁶, यंग्स मॉडुलस गिवन है 10⁻¹, अल्फा की वैल्यू गिवन है 10⁻⁵, डिवाइड बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10। तो 6 और 5 11 पावर तो पूरी कैंसिल हो गई, ये है 2/10, तो m की वैल्यू है 2/10 के बराबर। तो मास पूछा हुआ है केजी के अंदर कितना रखना पड़ेगा, तो मास यहां पर केजी के अंदर एक बार वैल्यू दोबारा देख लेते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 × 10⁻⁶ है, यंग्स मॉडुलस है 10⁻¹, और अल्फा की वैल्यू 10⁻⁵ डिवाइड बाय जी के बराबर एरिया। ठीक है, एक चीज और थी, सॉरी, टेम्परेचर में चेंज, तो टेम्परेचर में चेंज कितना किया है 200, तो 200 टर्म मिस कर दिया था, 200 और आया, तो इसके बेसिस पे मास की वैल्यू आ रही है 40 केजी के बराबर। अगर हम वेट लगा देंगे तो उस वाली कंडीशन में टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ जितना टेम्परेचर डिक्रीज करने के साथ साथ जितना डिक्रीज होना था उतना वापस चेंज हो जाएगा, तो इसलिए एम की वैल्यू है 40 केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में यहां पर एक सिलेंड्रिकल ब्लॉक दे रखा है, मास एम का है, हाइट है इसकी एच, और ये फ्लोट कर रहा है वर्टिकल एक लिक्विड में, और जिसकी डेंसिटी है ट्वाइस इसके कंपैरिजन में, और शो किया हुआ है डायग्राम में, और एक यूनिफॉर्म रॉड है m बाई टू मास की, ये यहाँ पे अटैच किया हुआ है l लेंथ की है, और सिलेंडर के a पॉइंट से फिक्स किया हुआ है, दूसरा वॉल से फिक्स किया हुआ है b पॉइंट से। रॉड फ्रीली रोड के इस वाले एंड के अबाउट फ्रीली रोटेट कर सकता है b पॉइंट के अबाउट, और रॉड जो है इनिशियली हॉरिजॉन्टल में इक्विलिब्रियम में। एंगुलर फ्रीक्वेंसी बतानी है स्मॉल एक्सिस के अबाउट, स्मॉल ऑसिलेशन के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो देखते हैं अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इस वाली पोजीशन से नीचे डिस्टर्ब करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे। तो जैसे इसको थोड़ा बहुत नीचे डिस्प्लेस किया, सपोज ये हमने डिस्प्लेस कर दिया इसको एक्स, एक्स डिस्प्लेस करेंगे तो जो फोर्स लिख रहे हैं वो एक्स के प्रोपोर्शनल आना चाहिए, अदरवाइज टॉर्क अगर लिख रहे हो तो थीटा के प्रोपोर्शनल आना चाहिए, कितना इसको बेंड किया हुआ, तो इसको मैं थीटा कंसीडर कर लूं, तो थीटा और एक्स में रिलेशन यह आ जाएगा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो थीटा इंटू एल इक्वल टू एक्स, ये हमने इसको स्मॉल डिस्प्लेस किया। अब यहां पे क्या होगा, इसका ऑसिलेशन तो वर्टिकल में है, केवल रॉड सर्कुलर पाथ पे ऑसिलेट कर रहा है, तो जब केवल ये वर्टिकल में ऑसिलेट कर रहा है, कोई रोटेशनल मोशन इसका नहीं है, तो इसको एज ए पॉइंट मास यहां पर हम ट्रीट कर सकते, एक पॉइंट तो ये है। दूसरा ये कि यहां पर इसको डिप किया तो बाकी फोर्सेस लिखने की जरूरत नहीं है, जो भी एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट हुआ है केवल वो रिस्टोरिंग फोर्स है, तो बाकी बैलेंस नहीं कर रहे कि mg कितना है, बॉयंसी फोर्स कितना है, हम केवल इतना ही कि x एक्स्ट्रा डिप कर रहे हैं तो उसकी वजह से कितना फोर्स इंक्रीज करेगा, तो इसको x डिप करने की वजह से एक्स्ट्रा फोर्स जो बॉयंसी फोर्स है वो इंक्रीज होगा, तो फोर्स में जो इंक्रीमेंट हुआ इस एंड से ऊपर की ओर वो बोल सकता हूं डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का एक्स्ट्रा डिप किया a into x इनटू जी, तो ये रीस्टोरिंग फोर्स बोल सकते एक तरह से, तो इतना रीस्टोरिंग फोर्स इस पे लगा। अब ये रीस्टोरिंग फोर्स जो है उसकी वजह से इस वाले बी पॉइंट के अबाउट टॉर्क,
बी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखें तो टॉर्क क्या लिखेंगे, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो लगभग बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो इसे परपेंडिकुलर ही बोल सकते हैं। तो डेल्टा एफ जो भी फोर्स चेंज हुआ है और ये लेंथ एल, तो इतना टॉर्क आ जाएगा। तो टॉर्क की वैल्यू हो गई रो एल ए एक्स जी इनटू एल, और ये टॉर्क नेट टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा। तो देखें इसके बाद आगे लिख रहे हैं इधर, तो टॉर्क की वैल्यू हो गई रो लिक्विड का क्रॉस सेक्शनल एरिया, और एक्स को लिख सक रहा हूं, लिख सकते हैं थीटा इनटू एल, और जी एल, और ये आई अल्फा के बराबर आई उस एज के अबाउट देखना है, तो एज के अबाउट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हो जाएगा 1/3 ml², और इसको एज अ पॉइंट मास कंसीडर करो क्योंकि ये केवल लीनियर पाथ पे मोशन कर रहा होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/3 m/2 रॉड का मास एल स्क्वायर प्लस उस पॉइंट मास की जैसे कंसीडर करना है m, इसका मास भी m है, m डिस्टेंस l स्क्वायर एज अ पॉइंट मास कंसीडर किया और अल्फा, तो यहां से अल्फा थीटा की प्रोपोर्शनल आ जाएगा, बाकी प्रोपोर्शनल कांस्टेंट देख लें, रो l ये l स्क्वायर है कैंसिल हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका है लिखते हैं अभी, एक g का टर्म रहेगा थीटा का टर्म है, डिवाइड बाय यहां से वैल्यू आ रही है 1/6 + 1, तो 7/6, 7/6 में 7 नीचे रह गया 6 ऊपर, और एक डिवाइड बाय m रह गया इक्वल्स टू अल्फा, ये टर्म आया। तो ये वाला जो टर्म है ये टर्म है ओमेगा स्क्वायर, तो इसके करस्पॉन्डिंग ओमेगा की वैल्यू आ गई रूट ऑफ 6 रो लिक्विड ए जी डिवाइड बाय 7 m। ठीक है, अब देखते हैं पूछा क्या है। तो इसमें ये वैल्यू पूछी हुई है कि एन जी बाई एच के बराबर है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये ओमेगा की वैल्यू पूछी हुई है, तो जरा देखते हैं। तो ये बोला था कि पहले जो m है वो ट्वाइस डेंसिटी का लिक्विड है, तो डेंसिटी को रिप्लेस करें, ये डेंसिटी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से ट्वाइस है, तो अगर इस सिलेंडर की हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एरिया इनटू हाइट, ये m था, ठीक है। अब ये बोल रखा है कि लिक्विड की डेंसिटी इसकी डबल है, तो इसकी डेंसिटी यहां पे लिख रहा हूं लिक्विड की डेंसिटी, तो लिक्विड की डेंसिटी की जगह लिख सकता हूं इसका डबल, और ये वैल्यू है m बाय ए एच, इसका डबल, ये इसकी जगह रिप्लेस करना, रिप्लेस करेंगे तो m का टर्म कैंसिल हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, ये बाकी टर्म जो रह गए वो रह गए 12/7, एक टर्म रह जाएगा g डिवाइड बाय h, इतना वैल्यू आ जाएगा ओमेगा का। तो देखें इसमें ओमेगा का वैल्यू दे रखा है रूट एन जी बाई एच, ये पूरा n दे रखा है, तो n की वैल्यू आ गई 12/7, डिवाइड करोगे 1, और फिर रह गया 7 के बाद 550, तो 7 49 1, तो 1.71 के अराउंड ये वैल्यू आ जाएगी n, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में एक कोनिकल ग्लास कैपिलरी ट्यूब a दे रखी है जिसकी लेंथ है 0.1 मीटर, और इसका डायमीटर 10^-3 और 5×10^-4 है, मतलब डायमीटर वेरी हो रहा है, कोनिकल था ये डायमीटर ज्यादा है और डायमीटर कम हो रहा है, और जब इसको लिक्विड में जस्ट इमर्ज किया हुआ 0°C पे और लार्जर डायमीटर को कॉन्टेक्ट में रखा हुआ वाटर के, तो लिक्विड राइज हो रहा है 8×10^-2 मीटर तक, इतनी हाइट तक राइज हुआ। एक अनदर सिलेंड्रिकल ग्लास कैपिलरी ट्यूब है बी, और जब इसको लिक्विड में सेम लिक्विड में 0°C पे डिप किया हुआ है तो लिक्विड राइज हो रहा है 6×10^-2। अब इस बी वाली ट्यूब के अंदर 5.5 × 10^-2 मीटर लिक्विड राइज होता है अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं 50°C, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ एट विच द सर्फेस टेंशन चेंज विद टेम्परेचर वो पूछा हुआ है, तो सर्फेस टेंशन में चेंज कितना हो रहा है टेम्परेचर चेंज करने पर डिग्री सेल्सियस वो पूछा हुआ है, वैल्यू कितना है, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड गिवन है, और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी ऑफ लिक्विड और ग्लास नेग्लिजिबल कंसिडर करना, तो एल्फा की वैल्यू कितनी है कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए इसके अंदर पहले एक कैपिलरी ट्यूब है, उसका लार्जर डायमीटर जो है वो लिक्विड के कॉन्टेक्ट में है, और इसमें लिक्विड राइज हो रहा है कुछ 0.8, इसमें लिक्विड राइज हुआ 8×10^-2 हाइट तक, और ये टोटल हाइट है 0.1। ये लार्जर वाली रेडियस जो दे रखी है वो गिवन है, ये लार्जर है 10 कंसीडर कर लो 10×10^-4, तो रेडियस है यहां पे 5×10^-4, डायमीटर गिवन था,
यहां पे रेडियस होगी 2.5 इंटू 10 से पावर माइनस। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम ये कर सकते हैं कि यहां पे रेडियस कितना है वो कैलकुलेट करते हैं पहले। ये क्यों कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि इसकी रेडियस कैलकुलेट करते हुए हम इस दूसरे वाले कैपिलरी ट्यूब की रेडियस कंपेयर करके निकाल लेंगे। इसकी रेडियस कैलकुलेट हो जाएगी तो सरफेस टेंशन पहले कैलकुलेट कर सकते हैं, रेडियस पता है, हाइट पता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड पता है, तो हम कैलकुलेट करेंगे पहले सरफेस टेंशन, बाद में टेम्परेचर बढ़ाने के बाद सरफेस टेंशन कैलकुलेट करेंगे दोनों में। ठीक है, तो इसलिए पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि यहां पर रेडियस कितना है इस वाले एंड पर। तो हम बोल सकते हैं कि रेडियस लीनियरली चेंज हो रही होगी। एक तो ऐसे कर सकते हैं कि इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में हम कंपेयर कर लेते हैं हाइट और बेस को, तो यहां पर ये रेडियस है 2.5, ये है 5, तो चेंज हो रखा है 2.5 का, ये लिख दिया मैंने हाइट, और बेस लिख दिया 0.1। ऐसे छोटे वाले ट्राइंगल में लिख रहा हूं हाइट, हाइट हो जाएगा आर में, अभी एक बार के लिए आर डैश लिख देता हूं, ये स्मॉल हाइट, ये वाली हाइट बोल रहे हैं, और बेस हो जाएगा 8, ये है, या ऐसे कंसीडर कर लो कि ये 8 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये वाली हाइट जो है ये 2 सेंटीमीटर हो गई, तो 2 सेंटीमीटर लिख रहा हूं और ये 10 सेंटीमीटर बोल दिया इसको। ठीक है, तो इससे आर डैश की वैल्यू आ गई, मतलब जो चेंज हो रखा है वो वैल्यू, चेंज हो रखा है वो वैल्यू आ जाएगा 0.5। तो ये चेंज 0.5 का है और ये 2.5 था, तो यहां पे रेडियस जो आ गई वो 3 आ गई, 2.5 तो ये है, 5 है, तो जो रेडियस है उस वाले पॉइंट पर ये डेल्टा आर बोल सकते हैं, तो वहां पे रेडियस आ गई 2.5 प्लस 0.5, 3 इंटू 10 से पावर माइनस 4। तो ये तो हमने इसमें रेडियस कैलकुलेट कर लिया। अब देखें कैपिलरी ट्यूब में जो हाइट राइज होगी लिक्विड की, वो हम लिखते हैं एच इक्वल्स टू 2t cos थीटा बाय रो आर जी, लिक्विड वाटर है तो एक तरह से जीरो कंसीडर कर लो, बाय रो आर जी। अब सरफेस टेंशन वही है, डेंसिटी वही है, जी सेम रहेगा, दोनों लिक्विड सेम ही है, तो हम बोल सकते हैं कि H1R1 इक्वल्स टू H2R2, ऐसे कंसीडर कर ले। तो पहले वाले लिक्विड में हाइट राइज हो रहा है 8 यूनिट तक, और पहले वाले लिक्विड में जो हाइट राइज हो रही है उसके करस्पॉन्डिंग रेडियस है 3 यूनिट। दूसरे वाले कैपिलरी ट्यूब में जो सिलेंड्रिकल था, सिलेंड्रिकल वाले में हाइट बोल रखी है 6 तक राइज हो रही है पहले 0 डिग्री पर, और उसकी रेडियस कुछ R2 बोल रही, तो यहां से रेडियस कैलकुलेट होके आई 4 यूनिट। 4 यूनिट क्या था, 4 जो भी 10 टू द पावर माइनस 4 में था वैसा यूनिट आया, तो 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 उसकी रेडियस है। अब इसको कंसीडर करते हुए सरफेस टेंशन में चेंज निकालना है। अब सेम कैपिलरी ट्यूब बी के अंदर देखते हैं, तो सेम कैपिलरी ट्यूब बी के अंदर जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज किया, हाइट चेंज हुई, सरफेस टेंशन चेंज हुआ, रो आर जी सब सेम है, हम बोल सकते हैं कि डेल्टा एच ट्वाइस ऑफ डेल्टा टी डिवाइड बाय रो आर जी, ये चेंज मिलेगा क्योंकि बाकी सारे टर्म्स तो सेम है, तो सरफेस टेंशन चेंज हुआ, हाइट में चेंज हुआ। अब हाइट में चेंज बोल रखा है कि पहले हाइट थी इसकी 6 इंटू 10 पावर माइनस 2, 5.5 इंटू 10 पावर माइनस 2, तो चेंज हो रखा है 0.5 इंटू 10 पावर माइनस 2, तो इसको लिखते हैं 0.5 इंटू 10 पावर माइनस 2 इक्वल्स टू 2, सरफेस टेंशन में चेंज डिवाइड बाय डेंसिटी, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड वो हमें गिवन है 1/14, इधर वाले टर्म को एक बार हटा देते हैं, रेडियस कैलकुलेट हो ही गई है, तो ये रेडियस है 1/14, सॉरी डेंसिटी इंटू 10 से पावर 4, और रेडियस कैलकुलेट होके आई थी 4 इंटू 10 से पावर माइनस 4, बाकी यूनिट थी वैसी, और जी की वैल्यू 10 9.8 कंसीडर कर, 9.8 यहां से डेल्टा टी की वैल्यू आएगी, देखते हैं कितना आता है, तो ये 2 और इसमें 7 से 2, जो 2 यहां पे कैंसिल कर देंगे, ये 2 और 2 कैंसिल किया, यहां पे 7 जो था उस 7 से इसको कैंसिल कर रहे हैं, 49 आ जाएगा, लेकिन 2 और है और ये 0.7 बोल, तो 9.8 था ये लिख दिया इसको, तो डेल्टा टी की वैल्यू आ गई 7 इंटू 2 14, या 7 इंटू 0.5 इंटू 2 इंटू 10 पावर माइनस 2, तो डेल्टा टी की वैल्यू है ये 1 हो गया,
0.7 इंटू 10 से पावर माइनस 2 डेल्टा टी की वैल्यू। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि डेल्टा टी टेम्परेचर के साथ, यूनिट टेम्परेचर के साथ कितना चेंज हो रहा है। डेल्टा टी ले लिया टेम्परेचर को, तो ये हुआ है 0.7 इंटू 10 से पावर माइनस 2 और टेम्परेचर चेंज किया है 50 डिग्री से, तो 50 से डिवाइड किया तो डिवाइड करने पर यह वैल्यू आ जाएगी 100 कर दो एक बार इसको, तो ये वैल्यू आ गई 1.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2, नीचे 100 है माइनस 4, इतना वैल्यू। तो 1.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 सरफेस टेंशन की वैल्यू पर यूनिट टेम्परेचर चेंज हो रही है। तो यहां पर वैल्यू पूछी हुई है अपन को, अल्फा की वैल्यू पूछी हुई है, 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 दे रखा है, तो अल्फा की वैल्यू है 1.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन में एक वॉल है जो दो लेयर से बनी हुई है, ए और बी सेम थिकनेस की है बट डिफरेंट मटेरियल है, तो एक वॉल बना देते हैं दो डिफरेंट मटेरियल से लेके। अब थर्मल कंडक्टिविटी ए की जो है वो ट्वाइस है बी से, तो अगर इसकी बी की थर्मल कंडक्टिविटी के कंसीडर कर ले तो ए की है 2k, ये ए और ये बी। स्टडी स्टेट पर टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस वॉल 40 डिग्री सेल्सियस है, तो यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस है 40 का, तो टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस लेयर 1 ए के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस कितना आएगा। तो यहां पे जो हीट फ्लो होगा वो दोनों के अंदर सेम फ्लो होगा, हीट फ्लो, तो अगर हीट फ्लो सेम है तो हीट फ्लो के लिए इक्वेशन लिख दें, तो हीट फ्लो लिख सकते हैं के ए पहले पार्ट के लिए के ए डेल्टा डी टेम्परेचर डिफरेंस बाय एल पहले पार्ट में बाय लेंथ एल, दूसरे के लिए के ए डेल्टा टी दूसरे के अक्रॉस डिफरेंस बाय एल, ये लिख दिया। तो यहां से 2 आ गया डेल्टा टी 2 बाय डेल्टा टी 1, मतलब इस पे टेम्परेचर डिफरेंस डबल है इसके कंपैरिजन में, तो टोटल टेम्परेचर डिफरेंस इस पे और इस पे मिला के टोटल टेम्परेचर डिफरेंस 40 है, तो 40 को 2:1 में डिवाइड करना है, मतलब 3:3 पार्ट करना है उसके, तीन पार्ट में से डेल्टा टी 1 पहले के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस 1:1 में जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई डेल्टा टी 1 की। तो पहली वॉल के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो आएगा 40/3, और 40/3 को क्या बोल सकते हैं 1.33, तो 13.33 यहां पर पहली वॉल के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोल रखा है, 1 मोल आइडियल मोनोटोमिक गैस दे रखी है, एफिशिएंसी ऑफ साइकिल ए बी सी डी विल बी, इस साइकिल की एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है, तो यहां तो एक तो ये देखें कि प्रेशर इधर दे रखा है, वॉल्यूम इधर दे रखा है, बाकी कंडीशंस में हमें इस तरह दिया होता उल्टा, तो उसी तरह से या तो डायग्राम वैसे ही बना ले कि प्रेशर और वॉल्यूम दिया होता तो ये डायग्राम इस तरह का होता, ये तो ऐसे ही आता, ये वाला पार्ट इधर के बजाय इधर होता और ये पार्ट इधर के बजाय इधर की ओर होता, ऐसा प्रोसेस। ये वी नॉट, ये डबल, ये पी नॉट, ये डबल, ऐसा ग्राफ हो गया। अब इसमें इसका एरिया निकाल के वर्क कैलकुलेट कर सकते, तो वर्क आ गया ट्रायंगल का एरिया हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, वर्क की वैल्यू आ गई। दूसरा इसके अंदर कैलकुलेट करना है कि क्यू की वैल्यू हीट इनपुट कितना है, तो इस वाले प्रोसेस में ये प्रोसेस है आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस है, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है, तो इसमें प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा हीट देनी पड़ेगी। इस वाले प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है वॉल्यूम बढ़ रहा है तो भी टेम्परेचर बढ़ेगा हीट देनी पड़ेगी। इस वाले प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम और प्रेशर दोनों ही कम हो रहा है टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा तो इसमें हीट रिजेक्ट करेगा। तो हम क्या करें, इनके अंदर कैलकुलेट कर लेते हीट कितना इनपुट है। तो पहले के अंदर हीट इनपुट, टोटल इनपुट हीट निकाल रहा हूं वो इस पार्ट में हीट इनपुट, वॉल्यूम वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस डेल्टा सॉरी क्यू की वैल्यू डेल्टा यू के बराबर एन सी वी डेल्टा टी वन, इस पार्ट में डेल्टा टी वन प्लस इस वाले प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है, तो आइसोबारिक प्रोसेस में डेल्टा सॉरी क्यू की वैल्यू एन सी वी डेल्टा टी के बराबर, ये लिखना है। अब सी वी की वैल्यू मोनोटोमिक गैस है तो सी वी की वैल्यू लिख दी 3/2 और एन आर डेल्टा टी को पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन बोल सकते हैं, तो पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन पहले में, तो टू पी नॉट वी नॉट माइनस पी नॉट वी नॉट प्लस दूसरे में सीबी की वैल्यू 5/2
और एन आर डेल्टा डी को फिर से पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन, पी टू वी टू आ जाएगा फोर माइनस टू पी नॉट वी नॉट, तो फोर पी नॉट वी नॉट माइनस टू पी नॉट वी नॉट, तो यहां से ये वैल्यू आ जाएगी, इसमें तो आ गया थ्री बाई टू प्लस ये आया टू कैंसिल फाइव और बाकी वैल्यू है पी नॉट वी नॉट। तो इसमें देखें ये वैल्यू कितनी आ रही है, टेन थर्टीन थर्टीन बाय टू पी नॉट वी नॉट। अब एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है तो एफिशिएंसी देखें, एफिशिएंसी हम बोल देंगे जो वर्क किया है वर्क बाय क्यू इनपुट, तो एफिशिएंसी आ जाएगी वर्क हाफ पी नॉट वी नॉट बाय क्यू 13 बाई टू पी नॉट वी नॉट, तो पी नॉट वी नॉट कैंसिल हो गया, टू भी कैंसिल हो गया, तो यहां से एफिशिएंसी निकल के आ रही है 1 बाय 30। और पूछा क्या है, परसेंटेज में पूछी है एफिशिएंसी, तो ये आ गया 100 बाय 30 परसेंटेज एफिशिएंसी। तो इसको कैलकुलेट करेंगे अगर हम 7 91 आ जाएगा 10 तो 9 तो लगभग ये इतना ही आ जाएगा, तो 7.70 या 7.69 के अराउंड ये वैल्यू आ जाएगी, एग्जैक्ट डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाती है अपनी 7.69 के अराउंड ही सही से देखें। तो इसी के साथ पेपर डिस्कशन अपना कंप्लीट होता है, ठीक है, थैंक यू।